हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी माई चैनल। तो कल हमने ये डिज़ाइन बनाई थी, आज इस डिज़ाइन का हम करेंगे पंचिंग। तो चलो फटाफट -पड़ पंचिंग कर देते। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो कलर चलेगा वो रेड कलर चलेगा और दूसरा जो कलर चलेगा वो ग्रीन कलर। तो इसका पंचिंग किस हिसाब से करना है वो एक बार ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको चलाना है रेड कलर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले होम प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से एच प्रेस करके देखेंगे। स्टार्ट यहाँ पे है, एंड पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको एंड पॉइंट देखिए इसका इधर आ रहा है, तो इसको थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इस हिसाब से। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर दूसरा टेक्निक भी बताता हूँ, एंगल चेंज करके भी देखना। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, इसके स्टार्ट एंड पॉइंट आप यहाँ पे इधर रख दीजिए या तो फिर यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे हम रख देते हैं तो क्या दो दो रन आते हैं। तो क्या करेंगे, इसके स्टार्ट एंड पॉइंट इधर ही रख देते हैं यहाँ पे। फिर क्या करेंगे, नहीं, इसका स्टार्ट पॉइंट ऊपर रखते हैं और एंड पॉइंट नीचे रखते हैं। इसका स्टार्ट पॉइंट ऊपर रख देते हैं और एंड पॉइंट नीचे रख देते हैं। तो क्या तो चेंज हो जाएगा ना। हाँ, यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे एंड। फिर क्या करेंगे, यहाँ से रन लेंगे, नहीं तो भी नहीं होगा। क्या करेंगे, चलो इसका स्टार्ट एंड पॉइंट इधर ही रख देते हैं साथ में। फिर क्या करेंगे, एक्स वी यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद यहाँ से एक रन लेंगे और एग्जैक्टली हमको ये जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर रन चलाना है। यहाँ से इस तरह से रन चलाना है यहाँ पे। फिर कहाँ जाएंगे, इसी ये डिज़ाइन के ऊपर जाना है, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। मैं वो प्रेस करके सिलेक्ट करके यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा मशीन आया तो क्या करेंगे, एच करके यहाँ से इसका स्टार्ट ले लेंगे और एंड पॉइंट यहाँ पे रख देंगे और इसको क्या कर देंगे, एक्स वी। उसके बाद अभी मशीन यहाँ पे अटका है तो यहाँ से वापस से एक रन लेंगे इस तरह से। उसके बाद बनाते हुए आगे जाएंगे यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट एंड पॉइंट एक साथ रख देंगे या तो फिर आप इस तरह से भी जा सकते हो तो भी सही है। या तो आप यहाँ पे एच करके स्टार्ट एंड पॉइंट 71 रख दो, या फिर ये अभी मैंने जिस तरह से ये रन लिया ये वाला ग्रीन कलर में उसको रेड कलर करना पड़ेगा। तो दोनों टेक्निक सही है, आपको जिस जो आइडिया ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, इसको एक्स वी, अभी मशीन यहाँ पे अटका है तो यहाँ से वापस जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ से इधर भी जा सकते हो या फिर इधर भी आ सकते हो यहाँ पे इस तरह से। एंटर प्रेस करेंगे, मैं वो प्रेस करके इसको कलर चेंज कर देता हूँ। एच प्रेस करेंगे तो स्टार्ट यहाँ पे लाना पड़ेगा हमको और एंड पॉइंट यहाँ पे, इसको क्या कर देंगे, एक्स वी। या तो फिर क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये चीज़ भी आपको देखने वाली है कि जैसे यहाँ पे ये मैंने लिया तो ये गलत ले लिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों पॉइंट को डिलीट, हमको रन यहाँ तक ही लेना है क्योंकि इसके बाद तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे रख देंगे एंड यहाँ पे रख देंगे इसको एक्चुअली। वो पहले किया था वो भी बराबर था, लेकिन यहाँ पे ये स्टिच बढ़ जाएंगे तो ये चीज़ भी आपको ध्यान लेनी है। मतलब फालतू के स्टिच आपको बढ़ाने नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत बढ़ जाए टेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रन लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे मशीन अट गया, उसके बाद तो हमको जाना ही नहीं है। अभी क्या है, मशीन हमारा अटका हुआ है तो अभी यहाँ से जंप लेके ही बनाना है, ये सबको जंप लेके ही बनाना है। तो इसको बाद में बना दे, क्यों बाद में बना दे मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम ग्रीन कलर का भी पंचिंग कर लेंगे और साथ में इसको कॉपी रखेंगे, इसलिए इसको बाद में पंचिंग करना है। तो अभी इसको इसको बनाते हैं। तो इसको देखिए कहाँ से बनाना है, यहाँ से, या मतलब यहाँ से ये पंच होगा रन में, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसका कॉपी करना है हमें। तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एच करेंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट ऊपर रखेंगे और एंड पॉइंट नीचे रखेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स वी करेंगे और इसको बैक ट्रैक कर देंगे, भले ट्रिपल रन है फिर भी बैक ट्रैक से ही बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे आए, फिर क्या करते हैं, होगा हमारा मशीन आगे जाएगा जैसे, चलो इसको भी साथ में ले ही लेते हैं, एक्स वी करके यहाँ से बैक ट्रैक। उसके बाद हमारा मशीन आगे जाएगा, आगे जाने के बाद कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर क्या करेंगे, इसका स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, नहीं बराबर है, एक्स वी करके इसको भी कर देंगे बैक ट्रैक। अभी हमको क्या करना है, जो भी रास्ते में आए उसको बनाते जाना है, जैसे यहाँ पे आए यहाँ पे इसको इसको बना देते हैं। यहाँ से हम एच प्रेस करेंगे, बराबर है स्टार्ट एंड पॉइंट, इसको क्या करेंगे, एक्स वी करके बैक ट्रैक कर देंगे। फिर आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका स्टार्ट एंड पॉइंट देखेंगे अलग अलग है, क्या करेंगे, स्टार्ट यहाँ पे रखेंगे एंड यहाँ पे रखेंगे, एंटर वो प्रेस करके इसको एक्स वी करके इसको भी कर देंगे बैक ट्रैक। अभी मशीन को वापस आगे जाने देंगे, यहाँ पे इसका भी देखिए स्टार्ट एंड पॉइंट अलग है तो क्या करना पड़ेगा, हमें स्टार्ट एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ पे करें, वैसे इसका शॉर्टकट ही है लेकिन मैं इसमें इस तरह से कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पंचिंग समझ में आए। अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप चाहो तो खाली
ग्रीन कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, रेड कलर की अभी कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको टेक्स्ट भी करके बैक ट्रैक कर देंगे। अभी यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद एस प्रेस करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे रखेंगे और एंड यहाँ पे रखेंगे, इसको एक्स भी करके बैक ट्रैक कर देंगे। यहाँ पे आएंगे, इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे अलग अलग है, तो इसको चेंज कर देंगे वो करके एक्स भी बैक ट्रैक। उस हिसाब से आपको पंचिंग करते जाना है। और अभी जैसे मशीन यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे तो हमको ये पंचिंग यहाँ से करना है, यहाँ से होगा ये पंचिंग। लेकिन वो कब होगा, जब हमारा मशीन वहाँ पे जाएगा तब। लेकिन अभी तो पहले हम कॉपी मार रहे हैं, तो पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। मतलब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा किया हुआ है। एच करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको एच भी करके बैक ट्रैक कर देता हूँ, उसके बाद मशीन को जाने देते हैं। बनता हुआ आइए यहाँ पे आएगा, फिर इसको पंचिंग करना पड़ेगा, इसका अभी अलग अलग है, तो यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं, ओ प्रेस करके एक्स वी करके बैक ट्रैक। फिर यहाँ पे आएंगे तो इसका तो साथ में ही रहेगा क्योंकि क्लोज ऑब्जेक्ट है, तो बराबर है, इसको भी एक्स वी करके एक बार बैक ट्रैक कर देते हैं, ताकि सभी रन का हम बैक ट्रैक कर रहे हैं तो इसका सबका भी बैक ट्रैक होना चाहिए, मतलब डबल रन होना चाहिए। ट्रिपल रन है तो डबल ट्रिपल रन होना चाहिए, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप रन से जाओ और ट्रिपल रन से आ जाओ, वो तो आपको डिज़ाइन के हिसाब से ही अप्लाई करना है। अभी यहाँ पे आएंगे, एच प्रेस करेंगे, इसका अलग अलग है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट चेंज करेंगे, यहाँ से एक्स भी करके बैक ट्रैक। तो ये हमारा रन का पंचिंग हो गया है, तो एक बार देख लेते हैं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो रहा है, मतलब कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसका खाली हमको कॉपी ही करना है। तो क्या करेंगे, ये जितना भी है उसको क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे। इसको पकड़ लिया, इसको क्या करेंगे, ग्रुप। तो ये पूरा ग्रुप हो गया, अभी क्या इसको ग्रुप करेंगे। इसको ग्रुप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए ग्रुप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से खींच लेंगे यहाँ पे, यहाँ से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पे एग्जैक्टली सेट करना है हमें, मतलब कम्प्लीटली। वैसे कम्प्लीट हो ही जाएगा, तो यहाँ पे इस तरह से हमने सेट कर दिया। फिर क्या, ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देना है। अभी क्या करना है, अभी वापस से पहले होम प्रेस करेंगे, फिर होम प्रेस करके मशीन को आगे जान देंगे। यहाँ पे आया तो अभी मशीन कहाँ अटक रहा है हमारा, ये बनाते हुए यहाँ पे अटक रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको खाली कंट्रोल एक बार अनग्रुप करेंगे और इसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और इसको क्या करेंगे, एक्स वी। तो यहाँ से ये जम में बन गया। तो एक बार मैं सब दोनों डिजाइन होम प्रेस करूँगा, तो अभी क्या होगा कि यहाँ से ये हमारा पहला मतलब यहाँ से इतना बना, फिर ये जंप लेके यहाँ पे बनाएगा, उसी हिसाब से जंप लेके आगे जाएगा। तो ये क्या है, हमारा पहला कलर का पंचिंग हो गया। अभी इसी तरह से हमको सब करना है। तो क्या करेंगे, अभी अभी देख ले, ग्रुप में नहीं है ना, हाँ ग्रुप में नहीं है। अभी क्या करेंगे, खाली पिंक कलर अपना रेड कलर चलाएंगे और ये तो ग्रुप में है पूरा, इसको अनग्रुप करेंगे और एक बार इसको भी ग्रुप कर देते हैं, कंट्रोल जी। अभी ये दोनों को क्या करेंगे, कंट्रोल जी, इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जी, इसको भी ग्रुप करेंगे, फिर कंट्रोल डी करके कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से अलाइन लेफ्ट कर देंगे और ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा पंचिंग हो जाएगा। एक बार देखते हैं, ये यहाँ पे हुआ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अभी क्या, अभी बात करते हैं ग्रीन कलर की। तो ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, तो ग्रीन कलर तो हमारा आधा तो कम्प्लीटली है, यहाँ यहाँ तक कंप्लीट है। अभी क्या करेंगे, मशीन को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो जैसे हमारा यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी मशीन इसको भी ले लो और यहाँ यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो अभी क्या, ये हमारा ग्रुप में होना चाहिए, ये ग्रुप में नहीं है। तो क्या करेंगे, अल्टर वी वी ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे और ये जितना भी पार्ट हमने कॉपी किया था वो पार्ट को हमको ग्रुप कर लेना है। तो इसको एक बार क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे, फिर इसको साथ में ही एक्स वी करेंगे। तो अभी देखते हैं, ये देखिए पंचिंग हो गया हमारा, वैसे ही सेम टू सेम पंचिंग, ये सब क्या करना है इसको। अब की बार ये पूरे को ग्रुप करेंगे और इसको ग्रुप करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी, फिर इसको कंट्रोल करके सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से
अलाइंस लेफ्ट कर देंगे और ये ब्लैक वाले को डिलीट कर देंगे। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मशीन को यहाँ पे लाएंगे, थोड़ा पीछे जाने दे रहे ताकि हमको अच्छे से आइडिया आए यहाँ पे। और हमने पंचिंग कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से एक्सपी कर देना है, यहाँ यहाँ पे लाके इसको ऊपर ले जाना है, फिर यहाँ से इसको करना है एक्स वी, तो हमारा पंचिंग हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं दोनों कलर। तो एफ टू करता हूँ थोड़ा जूम, उसके बाद क्या देखिए, यहाँ से ये पहला ऑब्जेक्ट रेड, ये रेड, रेड जम से रेड, उसके बाद क्या ये ग्रीन कलर बनाने के लिए यहाँ पे आएगा और ये एक ही साथ में ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा पंचिंग एकदम परफेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।